दोस्तों अभी इसमें हमने कंट्रोल कार्ड को चेक करके इसको रिपेयरिंग कर दिया है। इसके अंदर क्या था प्रॉब्लम, इसके अंदर एक तो कैपेसिटर ये ख़राब था, दूसरा ये ख़राब था, तो ये हमारे पास नया पड़ा था तो ये तो लगा दिया, और ये भी नया पड़ा तो ये दोनों लगा दिए हमने। 63 वोल्ट कैपेसिटर है, ये 63 वोल्ट कैपेसिटर ही ख़राब रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक साइड की हीट सिंक भी गर्म होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, अगर ये इस साइड का ये ज़्यादातर ये ख़राब रहता है, एक साइड वाला ये वाला, ये चेंज करने पे ये सही हो जाता है लगभग। ये हमने दूसरा भी चेंज किया था, ये थोड़ा जैसे हीटिंग की वजह से मान लो आप ख़राब हो गया था, यहाँ से खुला हुआ था हल्का सा, जैसे ये खुले हुए, लेकिन इसमें तो ये प्लास्टिक खुला हुआ। और इसमें ड्राइव की भी प्रॉब्लम होती है, तो हम ड्राइव करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ड्राइव चेक करेंगे, ये 5.87 आ रहा है, और ये 5.87 आ रहा है, तो वोल्ट कम निकालेगा तो इसकी वजह से ड्राइव तो बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट बेहतर आ रही थी और यहाँ पे भी 4 पॉइंट बेहतर आ रही थी। और तो इसमें भी ये इस साइड 9 पॉइंट अभी कुछ आने लगे, पहले यहाँ पे 5 वोल्ट कुछ आ रहे थे, अभी इस साइड 5 वोल्ट आ रहे हैं, पहले इस साइड आ रहे थे 5 वोल्ट। ये जिनर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये दूसरी साइड का ड्राइव का लगा है, यहाँ पे भी 9 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे भी 9 वोल्ट आ रहे हैं। और अभी ये ड्राइव बिल्कुल ओके हो गई, एकदम बढ़िया ओके तरीके से काम कर रहा है और एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादातर ये ड्राइव कार्ड ही ख़राब रहता है, और अभी ये वोल्ट भी प्रॉपर निकाल रहा है, आप देख सकते हो। ये हमने लोड डाल दिया है, पूरा वायर निकाल, वायर निकाल दी हमने मेन लाइट वाली, ये पीछे जोर लगा रखा है हमने, और ये अभी चला रहे हैं। अभी आप देख सकते हो ये बंद कर दिया इन्वर्टर को, ये अभी चालू कर दिया, 200 वोल्ट के समथिंग अभी प्रॉपर निकाल रहा है वोल्टेज, और ओके तरीके से वर्क कर रहे हैं। स्क्रीन में देख सकते हो 227 वोल्ट दिखा रहे हैं। ओके दोस्तों, नई जानकारी या कोई किसी भी प्रकार की किसी भाई को सहायता चाहिए तो मेरे को फ़ोन कर सकता है। ओके दोस्तों।